नमस्कार दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज ये जानेंगे स्लाइडिंग वार्डरोब के बारे में, स्लाइडिंग वार्डरोब की अंदर की डिजाइन के बारे में और अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में और बाहर से किस प्रकार से दिखाया जाए उसके बारे में अपने आज डिजाइन देखते हैं। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पे हमने जो साइज रखा है 7x6 का रखा हुआ है चौकटे के लेवल में, और जैसे इसकी अंदर की यदि डीप की बात की जाए तो हमने 22 से 23 इंच के बीच में रखा हुआ है, जो कि डीप काफ़ी कम है इसकी। और यहाँ पे नीचे की साइड में जो ट्रे दिए गए हैं, छोटे छोटे ट्रे, ये कपड़े रखने के लिए दिए गए हैं, जो कि काफ़ी सुंदर है ऐसे देखने में। और ऊपर की साइड में छोटे पुश टू ओपन वाले ड्रॉर दिए गए हैं, इस तरीके से पुश करेंगे तो बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पे एक अलग से मोटा ड्रॉर दिया गया है। और यहाँ पे जस्ट स्लाइडिंग के लेफ्ट साइड में एक प्रोफाइल शटर के लिए दिया गया है, और ऊपर की साइड में जो है पूरा लॉक का एरिया आ गया है, जो कि पूरा वाइट में फिनिश होगा। और यहाँ पे जो और ऊपर का जो एरिया है पूरा हैंगर के लिए रह जाएगा यहाँ पे लेफ्ट और राइट में। और यहाँ पे जो हमने पूरा प्लाई अंदर की साइड में अलग से पटा नहीं दिया है, पूरा सॉलिड कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे जो प्लाई एक्स्ट्रा यहाँ पे लगाते हैं तो अलग से यहाँ पे खांचा बन जाता है 19 mm का। और यहाँ पे 3 ड्रॉर मिल जाते हैं मोटे, जो कि काफ़ी कुछ स्टोरेज के लिए काम में आ जाते हैं। और ऊपर की साइड में यदि देखा जाए तो यहाँ पे चैनल के लिए जगह छोड़ दी गई है, जहाँ पे चैनल फिक्स होगा 3 से 4 इंच का सॉफ्ट क्लोज वाला। और यहाँ पे जो एरिया बाकी जो बच रहा है अलग से, उसमें बाहर का मटेरियल यूज होगा। हमने जो ये ड्रॉरों में जो चैनलें लगाई है वो हेपले की है, तो सॉफ्ट क्लोज की है चैनलें। ऐसे यहाँ से ऐसे धक्का मारेंगे तो ऑटोमेटिकली अंदर की साइड में पूरा चला जाएगा। इसको खोल के दिखाओ तो इसमें कौन सा लगा हुआ है? सॉफ्ट क्लोज, यानी इस तरीके के इतनी बड़ी ड्रॉरों में भी हमने यहाँ पे सॉफ्ट क्लोज का ही यूज किया है। ये यानी 2 इंच आगे तक, ये कितनी आगे तक खींचती है, 2 इंच बाद में अंदर खींच लेती है। दोस्तों यदि इस तरीके का वार्डरोब 1 लाख रुपए तक बजट में चला जाता है। जैसे दोस्तों अपने को कहीं पे भी इस तरीके का डिजाइन बनवाना हो तो अपने यहाँ पे ऊपर की साइड में यदि इतना एरिया नहीं चाहिए, अलग से छोटा करना है, यदि लंबाई में कम चाहिए तो यहाँ पे अलग से यूज कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो जस्ट ड्रॉर की साइड में यहाँ पे हमने अलग से पैक कर दिया साइड से 12 mm का, और सेंटर से यहाँ पे 1 या 1.5 इंच का पैक किया हुआ है हमने, यहाँ पे ज़्यादा किया हुआ है ताकि सेंटर का लॉक लगे तो भी कोई तकलीफ नहीं हो और साइड में लॉक लगे तो भी कोई तकलीफ नहीं है, नहीं दोनों ऑप्शन रखे हैं तो दोनों में से कोई भी लॉक लगवा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं रहता। और काफ़ी कुछ यहाँ पे भी स्टोरेज मिल जाता है प्रोफाइल शटर के पीछे में, और जो प्रोफाइल शटर लगने के बाद में ये काफ़ी हल्का नज़र आएगा, इतना हेवी नज़र नहीं आएगा दिखने के बाद में। और हमने जितने भी यहाँ पे ड्रॉरों का यूज़ किया है उसमें हैंडल के लिए यूज़ नहीं किया हुआ है, यहाँ पे जैसे ये यूज करना हो तो पूछ के लिए यूज किया हुआ है, तो पूछ के हिसाब से रखा हुआ है। और यहाँ पे डायरेक्ट नीचे से खुल जा सकता है, और यहाँ से पूरा ट्रे जैसा बनाया हुआ है। और जो बाकी की जो 3 मोटे ट्रे हैं उसमें अलग से यहाँ पे कट लग जाएगा ताकि हैंडल लगाने का कोई इश्यू नहीं रहेगा। और जैसे अपने स्लाइडिंग रहता है तो हैंडल नहीं लगाओ तो बेटर है, क्योंकि यहाँ पे स्लाइडिंग में यदि हैंडल लगाएंगे तो ये इतना पार्ट है बाहर आ जाएगा 1 से 1.5 इंच तक का, तो कभी ये चांस रहता है कि उसमें टकराने का चांस रहता है, और अपने को स्पेस भी ज़्यादा लेना पड़ता है यहाँ पे, जो स्लाइडिंग के नॉर्मली यहाँ पे जगह छोड़ते हैं, हैंडल लगवाना रहता है तो उसके लिए स्पेस ज़्यादा छोड़ा जाता है। दोस्तों जैसे अपने को यहाँ पे इसकी धार के ऊपर यदि पट्टी लगाना रहता है तो अपने इसमें पीवीसी पट्टी मार सकते हैं, वुडन का और लेमिनेट का पट्टी भी चिपका सकते हैं। जैसे अपने को एक कलर में लेना रहता है कि ये पट्टियाँ एक कलर में दिखानी रहती है, तो यहाँ पे आप लेमिनेट का यूज़ कर सकते हैं,
और एक कलर में यदि इसमें दूसरा ऑप्शन पीवीसी का रहता है तो पीवीसी धार नहीं दिखाना है तो पीवीसी लगवा सकते हैं, काफ़ी सुंदर दिखाई देता है उससे। जैसे हमने यहाँ पे ड्रोरों के लिए नीचे की साइड में भी फुल ग्रू दिया गया 12 mm का, यदि अपना चैनल जैसे यहाँ पे हाइट ज़्यादा आ गया चैनल का तो उसमें कोई इश्यू नहीं रहता है ड्रोर वगैरह टकराने का। सो थैंक यू गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।